बेनी खेरे से बोल रहे हैं साहब, ये गांव एकदम ऐसा लागत विदेश में होगा साहब। अब चारों तरफ से गंगा और पांडव नदी के सैलाब चारों तरफ से घेरे, और साहब हम लोगों का समस्या आई है साहब डॉक्टर की कि मवेशी को हो तो परेशानी है, आदमी को हो तो परेशानी है। तो ये टापू बन चुका है, आप कैसे जाते हैं बाहर? नन्हे मुन्ने स्कूल लड़के जाते थे साहब, रास्ता वो भी ठप्प हो गया। जैसे बाजार हाट जाना हो तो कैसे जाएंगे? आप कौन सी सुविधा नहीं साहब, कैसे जाएंगे? जब इलेक्ट्रॉनिक कोई शिकारी की आज इधर उधर आ जाते तो यही सुइया की वजह से इधर उधर हो जाते हैं। दहिना बाव कौन सा गाँव है? बेनी खेड़ा। आने वाले 20 दिन हो गए लगभग। और कोई रास्ता बचा है? कोई रास्ता नहीं है आने का। तो अधिकारी आवे तो कहाँ से आवे, कहाँ से जाए? तो उनको जानकारी तो है कि पानी, जानकारी सर है पर सब ढिला ही है अधिकारी ने क्या कहा है। कितनी आबादी होगी तुम्हारे गांव की? लगभग गांव लगभग 300 है। कितने कितने घर हैं? लगभग है 50-70 घर। तो वहाँ तो लड़कों की पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं हो, बंद है, कुछ पढ़ाई नहीं है। आने जाने का रास्ता कहीं नहीं, रास्ते नहीं तो सब बंद है। अभी तक कोई नेता नहीं मर गया, कौन नहीं आओ, ना डीएम ना कौन, ना लेखपाल, कौन नहीं आओ। किए रहेंगे सब खेती है, फसल पूरा बूढ़ गया है, परवल रहा है, मतलब सब्जी रही है। काय काय की सब्जी थी? परवल है, करेला है, भिंडी है, धान लगा रहा है। अच्छा, फंस जाएगा तो अपने आप अपन सुरक्षा हम लोग कही रहे नियमान। हाँ, बाढ़ आ गई है तो कितने घर डूब गए हैं? लगभग 4-4 किलोमीटर पानी भरा है। खेती बाड़ी क्या हाल चाल है? खेती बाड़ी चली गई सब, मतलब डूब गई है। हाँ। क्या क्या फसल बोए थे? मिर्च बोए थे, गोभी लगाए थे और परवल लगाए थे। तो सब बर्बाद हो गया, सब चला गया, कोई फसल नहीं बची। तो आगे कैसे चलेगा आपका? अब आगे कोई उपाय नहीं हम लोगों के पास। तो खाने पीने कैसे चलाओगे? अब खाने पीने का अभी जैसा ईश्वर करेगा वैसा हुई नहीं है। चारों तरफ से पानी घिरा हुआ है और यहाँ कोई ना डॉक्टर है, कोई दवा यहाँ पर कैसे लाई जाए दवा और कैसे इस्तेमाल की जाए, और कोई भी रास्ता नहीं है। कब से बाढ़ है किस गांव में? इस गांव में कम से कम 15 दिन हो गए लगभग। लेखपाल आए कि नहीं है? लेखपाल 8 दिन पहले आया था यहाँ पर। हाँ। तब से तो आया नहीं। इस बाढ़ से आपको कौन कौन समस्या आती है? समस्या चारों तरफ पानी घेरा हुआ है और आने जाने कोई रास्ते नहीं यहाँ पर। रास्ता की सबसे ज्यादा जो है हम लोग जाने आने नहीं पाते। क्या नाम है? क्या नाम है? राम भवन। गंगा का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, कितना है गंगा का जल स्तर? गंगा का खतरे का निदान 100.86 है और आज 101.04 है आज गेज, तो करीब 1.5 फीट पानी खतरे के निशान के ऊपर है, ऊपर चल रहा है। और ये 24 घंटे में करीब 4 सेंटीमीटर के रेट से पानी बढ़ रहा है। ये ऊपर उत्तराखंड में बारिश ज़्यादा हो जाने से वो पानी हमारा बढ़ रहा है, पर एक दो दिनों में हमें लगता है कि स्थिरता की तरफ हम पहुंच जाएंगे। ये बाढ़ नियंत्रण के लिए कितनी चौकियाँ बनाई गई हैं जिले में? जिले में 24 चौकियाँ बनाई गई हैं जो लोगों को सहायता देने के लिए और स्थितियों को नियंत्रित रखने के लिए पूरी तत्परता से अपना कार्य।